सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू टेक एलसी में। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए कमाल की ट्रिक लेके आ गया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपके भी मोबाइल में ये वॉल्यूम बटन है और फ्रेंड्स इससे सिर्फ आप वॉल्यूम घटा या बढ़ाते हैं, तो फ्रेंड्स आज मैं आपको इस वॉल्यूम बटन के अंदर कुछ सीक्रेट छुपे हुए हैं जिसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है ताकि जो कुछ मैं आपको समझाऊँ वो आपको प्रॉपर रूप से अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स चलिए करते हैं वीडियो की स्टार्ट। मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं न्यू टेक अभिषेक। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यहाँ पे जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें लाइक की बटन दिखाई दे, सिंपली उसको प्रेस करके हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन दिखाई दे रही है उसको प्रेस करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और बगल में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं फ्यूचर में जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए और आप वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना कर पाए। तो फ्रेंड्स, इतना सब कुछ करने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आपको कमेंट सेक्शन दिखाई देगा। तो सिंपली वहाँ पे आपको लिखना है नाइस ट्रिक नाइस वीडियो, जैसी आपको वीडियो लगी हो वैसे लिख देना है, या कि आपको अगर वीडियो बेकार लगी तो यहाँ पे बैड लिख दीजिए। अगर आपको कोई सजेशन पूछना है तो यहाँ से आप लिख के पूछ भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद अब मैं वापस बैक आ जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको इस एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसकी लिंक छोड़ दी मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन। तो फिर वहां से जाके आपको इजीली इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने का कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको डाउनलोड करके सिंपली से आप इसको ओपन कीजिएगा। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको वॉल्यूम अप बटन, वॉल्यूम डाउन बटन, हैंडसेट बटन और फ्रेंड फिंगरप्रिंट का स्कैनर का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं वॉल्यूम अप और डाउन बटन के सीक्रेट राज बता देता हूँ। जैसे कि आप अप बटन में प्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप कस्टमाइज के ऑप्शन को ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर सिंगल बार आप वॉल्यूम अप बटन को टैप करते हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से जैसे कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं फ्लैश लाइट, एक बार मैं बटन वॉल्यूम अप बटन दबाऊ तो यहाँ पे मेरी फ्लैश लाइट ऑन हो जाए। और यहाँ पे आप डबल प्रेस करने पर आपको क्या चाहिए, जैसे ही आप डबल प्रेस करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैं और भी यहाँ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे होम स्क्रीन को मैं सेट कर देता हूँ। उसके बाद ऐड आएगा ऐड को स्क्रीन। और यहाँ पे आप लॉन्ग प्रेस जैसे ही करेंगे तो वहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं, तो यहाँ पे रिसेंट एप्स को मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही मैं बैक आता हूँ एक बार मैं वॉल्यूम अप बटन को दबा के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जैसे ही एक बार दबाया तो यहाँ पे मेरा ये फ्लैश लाइट ऑन हो गई है। और फ्रेंड्स इसी टाइप से मैं इसको एक बार और ऑफ करूंगा तो ये बंद हो जाती है। और फ्रेंड्स इसी टाइप से मैं यहाँ पे दो बार प्रेस करके दिखा देता हूँ, जैसे ही दो बार प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते मेरे होम स्क्रीन में ये आ जाता है। और फ्रेंड्स इसी टाइप से मैं यहाँ पे इसको लॉन्ग प्रेस करूंगा, जैसे ही लॉन्ग प्रेस करूंगा तो मेरे ये करेंट एप्स यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह ओपन हो जाएंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ पे आप डबल टैप का ऑप्शन प्रेस करके यहाँ पे आप डबल टैप में देख सकते हैं कि आपको क्या क्या ऑप्शन मिलने वाले हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, वॉल्यूम डाउन के बटन में भी यहाँ पे आप ऑप्शन लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप हैंडसेट के बटन में भी आप यहाँ पे ऑप्शन लगा सकते हैं, जैसे कि आप हैंडसेट यूज करते हैं, अगर आप हैंडसेट लगाएं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका म्यूजिक ओपन हो जाए, इस टाइप से यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही शानदार से ऐप्स है। अगर आप भी अपने मोबाइल में ऐसे सीक्रेट से कोड लगाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन को एक बार जरूर से ट्राई कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।